अत्तार निशापुरी एक जवान का वाकया बयान करता है, इश्क हुआ हुआ है, जवानी में इश्क होता है आदमी को, इश्क हुआ हुआ है, शदीद सर्दी, बर्फबारी, सिर्फ इतना पता है कि माशूक खिड़की में आएगा, बस। अब उसके सामने बैठा है, एक झलक आई और गायब हो गई। अब इस इंतजार में कि दोबारा आएगी, शदीद बर्फ में बाहर बैठा है, हत्ता होंठ स्याह हो गए सर्दी की वजह से, बदन हिल नहीं पा रहा, और इस इंतजार में कि शायद अब अंदर चराग बुझेगा तो खिड़की खुलेगी। रात गुजर गई, कोई खबर ना आई। अल्लाह अकबर की अजान की आवाजें आने लगी, इतना मदहोश, कहने लगा कि शायद ये बांगे ख्वाब है, यानी शायद ये रात का ऐलान हो रहा है, जबकि सारी रात गफलत में जागता रहा। उठकर जब गया तो देखा लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, लोग वुजू कर रहे हैं। शर्मिंदा हुआ कि पूरी रात को किस ख्वाहिश में जाया कर दिया। इतना शर्मिंदा हुआ कि जंगल की तरफ चला गया, सर झुकाकर खुदा की बारगाह में तौबा करता रहा। क्यों? एक रात दुनिया के इश्क में जाया कर दी, और वो हर वक्त बुला रहा है, हर वक्त। मां उसकी बूढ़ी थी, गई, क्या देखी है कि बेटा बैठा हुआ है, सो रहा है, और उसके करीब एक सांप है, तो गई कि वो सांप को मारे, मगर क्या देखा, सांप छोटे छोटे कीड़ों से उसकी हिफाजत कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा को अजीज हो गया है अब ये, खुदा को अजीज। हज के अयाम आए, दिल चाह हज करे मगर हुआ नहीं जा सकता, दूर है, तो बयाबान में निकल गया कि मैं तीन दिन वो जो मनासे के हज है मैं यहीं अदा करता हूं, यहीं अदा करता हूं। देखा एक बूढ़ी सी औरत आई, तो कहा हज में जाना चाहते हो, अराफात जाना चाहते हो? कहता हाँ, दिल किसका नहीं चाहता। कहा चलो, मैंने कह रही कैसे यहां से इतना फासला, और अभी तो तीन दिन तो हैं सिर्फ अय्याम। कहा तुम चलो तो सही हमारे साथ। वो कहते हैं चले, उसने बोला आंखों को बंद करो, पानी में छन कदम चले, अगला कदम अराफात में खड़ा हुआ है। तीन दिन, अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद। खूब जवान, देखा ना, जरा सा घूमा अराफात, हज अदा किया, किस्सा मुख्तसर, फिर हज पे वैसे गया, सोया, ख्वाब में क्या देखता है, फरिश्ते मलाइका कह रहे हैं इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ सिवाय एक मोची के जो दमिश्क का था, और वो हज पे भी नहीं आया था, मगर सिर्फ हज भी उसी का कबूल हुआ। अब ये परेशान है, कह रहा है हज पे भी नहीं आया और हज भी कबूल हो गया। दमिश्क पहुंचा, उसका पता लिया, उसके पास गया, कहा कि तुम हज पे गए? कहता नहीं, मैं हज पे नहीं गया। तो तुम्हारा ही हज कबूल हुआ है और तुम हज पे नहीं गए, माजरा क्या है? कहता मैंने अपने हज के लिए 300 दिनार जमा किए हुए थे, एक दिन मेरे बराबर के घर से खुशबू आई खाने की, खुशबू ऐसी थी कि मेरे घर वालों के पास भी आई, उनका दिल ललचाया, तो मैं हमसाये के घर गया कि भाई क्या पकाया है, गोश्त की खुशबू आ रही है, अगर कुछ हमें भी दे दें। तो शख्स ने बोला कई अरसे से हमारे घर में फाके थे, बच्चे भूखे थे, एक गधा मरा हुआ था, उसको काटा, उसका गोश्त है, ये आपके ऊपर हलाल नहीं है, हमारे लिए है, ये सुनना था। कहा मैंने सारे पैसे उसको दे दिए, हज कबूल हो गया। एक जवान
अकेले मैं और आप कमाल पे नहीं पहुंच सकते अज़ीज़ान मोहतरम, हमें पूरे माशरे को कमाल पे लेके जाना है, पूरे माशरे को ऊपर लेके जाना है।